हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु। मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ रघुनाथ। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मातृभाषा मैथिली, मैथिली सेट वन का। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपको ये क्वेश्चन है, आपका सॉल्यूशन भी करके दूंगा, साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से आप ध्यान देंगे, आप यहाँ पे सब पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, राम विलोचन जो है, रामलोचन सरनक रचना अछि। रामलोचन सरनक रचना अछि, किकर है। ठीक है, तो किसका रचना है ये पूछ रहा है। तो ये मैथिली का सब्जेक्ट का है, इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। मैथिली भाषा कुछ अलग टाइप के होंगे, जो कि आप बोलते होंगे गांव घर में, अगर आप बिहार के हैं और गांव घर के हैं तो आपको जानकारी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा अछि। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित अछि, चंद्रभानु सिंह के रचने छथिन, तो ओकर आंसर हो जात, मतलब यहाँ सेकंड में इनका आंसर हाउ अब भेल वर्षा, ये चंद्रभानु सिंह यानी कि ये लिखने छथिन। ठीक है, फिर अगला क्या है, तारानंद वियोगिक लिखत अछि, ये लिखा है कितना, कौन लिखा है, तो इसका होगा माँ। ये तारानंद मतलब ये वियोगी जो है वो कौन सी लिखे हैं, तो ये माँ कहानी लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है कि बुद्धिनाथ मिश्र लिखने छथि, कौन सी लिखा हुआ है, तो ये लिखे हुए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रौदी अछि। ठीक है, फिर हाथ शीर्षक के कविताक्ष के है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुकांत सोम। ठीक है, अगला है पाठ्यपुस्तकक अपन रचनात् में तारानंद, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका, फिर ये आपका मायके हो जाएगा, मायके। बूंदे बूंदे घैल भरे छह, तो ये इसका है, तो ये आपका ध्यान देंगे, इस सबको आपको याद ही होगा, तो इस तरीके से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ध्यान से देखें। जय जवान जय किसान कह रहा है। ठीक है, नारा है बंधु उपनाम छनी, कौन सी है उपनाम, तो ये होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा दीनानाथ पाठक। सुकांत सुकांत सोमक रचना अछि, तो सुकांत सोमक जो रचना होगा इसका है ये हाथ होगा। ठीक है, बच्चा केर रचयिता अछि, बच्चा के रचयिता अछि, ये हो जाएगा आपका यह हो जाएगा उदय चंद्र झा विनोद। ठीक है, उदय चंद्र झा या उसको विनोद भी बोल सकते हैं। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना अछनी, तो ये कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाँ अब भेल वर्षा। ठीक है, विद्यापति जो है, विद्यापति विरचित अछि, इसका आंसर हो जाएगा विश्वगीत। ठीक है, अगला सवाल है अशोक अशोक लिखने छथि। ठीक है, अशोक लिखने छथि, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर बाबाक आत्मीयता। ठीक है, सिपाही विद्रोह भेल, ये कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। जीके आपको याद है तो आपको इसी हिसाब से जीके का भी मिलता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए, जीवन लेल संभवतः सरल बेसी आवश्यक अछि, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हवा हो जाएगा। जीवन के लिए आपको बहुत सबसे जरूरी है कि हवा होना जरूरी है, जल के साथ साथ वायु। ठीक है, सबसे पहले सांस लेंगे तभी तो आप जी पाएंगे। फिर अगला सवाल है चंद्रमुखी रचना अछि, तो इसका आंसर हो जाएगा लीली रेख। ठीक है, माँ लिखने अच्छा थी, तो ये हो जाएगा आपका तारानंद वियोगिक। उदय चंद्र झा विनोदक रचना अछि, इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चा। ठीक है, तो जय जवान जय किसान किसानक रचयिता अछि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अगला सवाल है कि पर्यावरण के स्वच्छ बाबा रखवाक लेल आवश्यक अछि, कौन कौन चीज़ आवश्यक है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाछ वृक्ष जो लगाना जरूरी है, सबसे जरूरी, सबसे पहला जरूरी है गाछ वृक्ष लगाना जरूरी, तो वही है गाछ वृक्ष, ऑप्शन ख हो जाएगा। फिर उमाकांत तिलक लिखल छनी, उमाकांत किसने लिखा है, तो क्या मतलब कौन चीज़ लिखा है ये पूछ रहा है, तो ये बोला है इसका आंसर हो जाएगा क्रैक लिखा हुआ है। ठीक है, लिखने छ लिखल छनी, तो ये क्रैक हो जाएगा, और ये बाबाक आत्मीयता लिखने छथिन, बाबाक आत्मीयता लिखने छथिन, यानी एकर आंसर हो जाएगा
भोला लाल दास। ठीक है, अगला सवाल है कि समय साल रचना रीथक ठिकनी ठिकनी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंदा झाक ऑप्शन ग ख होगा, और ह अब भेल वर्षा विरचित छानी, इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका बैद्यनाथ मिश्र यात्रिक ऑप्शन घ होगा। फिर अनेकता अनेकता में एकता विशेषता अच्छी, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये अनेकता में एकता आंसर अच्छी, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतक भंग आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था भंग आंदोलन हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल के आंसर है पहले देखिए भारी छिपा भारत के रचयिता छथि, इसका आंसर हो जाएगा आपका वीर सॉरी विभा रानी, कहने में दिक्कत हो रहा है, विभा रानी। ठीक है, फिर चंदा झाक रचना अच्छी छनी, चंदा झाक कौन सा रचना था, मतलब कौन सा चीज लिखे हुए हैं, तो ये होगा इसका आपका समय साल। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि एडसक काल नाग लिखने छथि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडसक चंद्र भानु सिंह। ठीक है, फिर अगला सवाल है दीनानाथ पाठक बंधु द्वारा रचित अच्छी, दीनानाथ पाठक द्वारा रचित अच्छी, इसका आंसर हो जाएगा कर्मवीर। फिर रौदी अच्छी रचना अच्छी, रौदी अच्छी रचना छनी, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिनाथ मिश्रक के। ठीक है, वंदना का रचनाकार छथि, वंदना के रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यानाथ झा विदित। ठीक है, फिर अगला है कि एड्स कालानाग कर रक्षार्थ आवश्यक अच्छी, इसका आंसर हो जाएगा रचित्र चरित्र चतरित चरित्रक। ठीक है, फिर यहाँ पे भावी भरदुतिया विधान है, भावी भरदुतिया विधान है का रचयिता रचयिता, ठीक है, रचयिता छथिन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काशीकांत मिश्र मधुप। ठीक है, अगला सवाल है पाठ्य पुस्तक अनुसार मंच पर दृश्य बनल अच्छी, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 35 का आंसर हो गया आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना बनल अच्छी मंच पर। ठीक है, तो अगला आंसर हो जाएगा देखिए अगला दिनेश्वर लाल आनंदक रचना अच्छी, दिनेश्वर लाल आनंदक रचना अच्छी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन ऑप्शन ग हो गया, और यहाँ पे पाठ्य ग्रंथ में ममता करैत छली, ये हो जाएगा इसका आपका कॉपी जांच ऑप्शन ख। ठीक है, कॉपी जांच कर छथिन, तो ये हाथ कविता छानी, हाथ के कविता कौन है ये पूछ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सुकांत सुकांत रोमक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुकांत रोमक रोमक आंसर ग। भोजनक रचयिता छठी, भोजनक रचयिता अच्छी, और राजमोहन झा विधान विद्यानाथ झा विदित विरचित अच्छी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा घ होगा वंदना। ठीक है, यहाँ पे कर्मवीरक रचनाकार छथि, कर्मवीरक रचनाकार कौन थे, तो इसका हो जाएगा दीनानाथ पाठक बंधु। ठीक है, फिर अगला सवाल है क्या चीज, काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित अच्छी, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर भावी भरदुतिया विधान। ठीक है, काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित अच्छी, तो ये होगा भावी भरदुतिया विधान। फिर अगला सवाल है कि पाठ्यक्रम विश्वगीत रचने अचित, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति, करैक रचनाकार छथि, करैक रचनाकार किसका है, रचनाकार कौन है, तो ये होगा सॉरी उमाकांत हो जाएगा। ठीक है, बोलने में थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाती है, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। फिर अपने सवाल पे आते हैं, अपन देश स्वतंत्र भेल कब, 1947 में। ठीक है, आप सबको पता होगा 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था, बस वही हो जाएगा। अब कर्मवीर रचना रचना लेल गेल अछि, कर्मवीर रचना लेल
गेल अच्छी, तो कौन सी हो जाएगा इसका आंसर, 46 हो जाएगा, चाणक्य सौ, ठीक है, चाणक्य सौ गेल छे। विद्यापति छला, विद्यापति कौन सी छला है ये पूछ रहा है, तो इसमें होगा आंसर बिस्फिक था, ठीक है, कौन थे, कौन सी थे, तो बिस्फिक, मारीचिका, ऑप्शन ख क होगा, फिर मारीचिका पोथी छानी, मारीचिका पोथी छानी, तो इसका आंसर हो जाएगा लिली रेक, लिली रेक, ठीक है। अब ये हो जाएगा 49, देखिए दो क्वेश्चन और बच गया है, मैथिली ओ संताली, संताली पुस्तक ठिकनी, ठिकनी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विद्यानाथ झाक विदित। फिर अगला सवाल है कि एकता तेसर गण संग्रह छानी, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर राजमोहन झा छली, ठीक है, राजमोहन झा। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का, अब आपको सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। तो सेकंड सेक्शन में आपको ये आएगा क्या चीज, आपको सब्जेक्टिव आएगा, जो आपको इस पाठ को मतलब इसको पढ़ना है और उसके बाद आपको जवाब देना है, इस सबको पढ़ के आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये इधर से पूछा गया है, 7 नंबर का ये भी था, ये है कितना नंबर का, ये 10 नंबर का ये हो गया निबंध से, और इसमें आप कर रहे हैं क्या चीज, आप इसको अब ये एक लेटर लिखना होता है, लेटर के माध्यम से आप यहाँ पे कर रहे हैं कि ग्रामक समस्या अवगत करवैत मुखिया जी के पत्र लिखू, ठीक है, या तो इसमें सेवा में एक पत्र लिखा हुआ है, आंसर इसमें भी दे दिया है, ठीक है, एक आंसर इसमें हो गया, जैसे यहाँ पे 10 नंबर का जो था एक निबंध लिखना था, तो किसी एक पे निबंध लिखना था, तो यहाँ पे देखिए आँख प्रिय रचनाकार लिखू, आपका जो प्रिय रचनाकार है या कवि है उसका बारे में लिखना है, ये मैथिली में पूरा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ के आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप इस जगह एक जगह नोट कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको ये वीडियो को स्टॉप कर करके आप इसको नोट कर लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये अगला 52 नंबर सवाल है, यानी कि 52 में करा है क्या चीज, आप देखिए उसमें जैसे 50 तक ऑब्जेक्टिव था, 51-52 नंबर सवाल है ये 7 नंबर का सवाल रहेगा, तो 50-10-60 और 7-67 नंबर का हो गया, 7 नंबर का पत्र लेखन पूछेगा। और फिर यहाँ पे 53 नंबर में देखिए शीर्षक के उदैत, शीर्षक मतलब उपर्युक्त तो शीर्षक दैत निम्नलिखित अवतरण संक्षेप करूँ, ठीक है, इसका इसको पढ़िए और इसको कह रहा है कि शीर्षक देना है और शीर्षक दे के उसका संक्षेप में लिखो, ठीक है, तो इसका 8 नंबर का मिलेगा, तो ये शीर्षक है जैसे विद्यापतिक अनुसरण, उसका अनुसरण के बारे में बताया है, तो ये हो जाएगा आंसर भी इसी में दे दिया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ही होगा और यहाँ के बाद ये सब आंसर हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आंसर हो जाएगा, शीर्षक के बाद नीचे आपका आंसर है, ठीक। फिर अगला क्या है कि अथवा में कर दिया है, अथवा में करा है कि किंतु वास्तव में हम छलहु एक हविला धारक स्थान पर, डेढ़ सौ दरमाहा छल तथा मणिपुर फ्रंट पर नियुक्त छल हूँ, ये सब का अभी शीर्षक देना है, और शीर्षक देने के बाद सेनाक जीवन के बारे में बताया है, और यहाँ पे शीर्षक का शॉर्टकट में ये लिखा है, और यहाँ पे इसका देखिए 54 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे समझ में आ गया, तो आपको 67 और 5 कितना हो जाएगा, 72 नंबर, 72, और यहाँ पे 72 एक और चीज़ है इसमें 8 नंबर का, ये 72 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 55 के बाद यहाँ पे हो गया 80, और यहाँ पे 10 90 हो जाएगा, 10 नंबर का ये है क्वेश्चन आंसर का, सब इसी में आंसर है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, और मैथिली जो रखे होंगे तो उसका आपका 10वां का, सॉरी 10वां का नहीं, 8वां का मैथ पढ़ना, सॉरी हिंदी पढ़ना होगा, ठीक है, आपका ये मैथिली और उसके बाद 10वां का हिंदी पढ़ना होता है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप शेयर कर देना हमारे वीडियो को, तो आपको इस वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, और साथ में मेरा एक काम कर सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके आप नया वीडियो का अपडेट पा सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।